पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में चल रहे कार्यक्रम में प्रतिदिन प्रातःकालीन सत्र में प्रभात फेरी निकालकर सभी को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं शाम के समय में भजन कीर्तन करके गुरु महाराज को नमन किया जा रहा है। बताते चलें कि हर सुबह भक्तों के द्वारा महानगर में जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है और भजन कीर्तन करके सभी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि महाराज जी के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और महाराज जी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर सभी को जागरूक करते हैं, मन में देश की भावना उत्पन्न करते हैं। कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा रहा है। शोभा अग्रवाल ने बताया कि हर दिन भजनों की धुन पर शहर में जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। उनका कहना है कि महानगर की जनता आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित है। नगर के विभिन्न जगहों से अलग अलग स्थानों से प्रभात फेरियाँ नियमित रूप से रोजाना निकाली जा रही हैं और ये 20-21 तारीख तक बराबर निकलती रहेंगी। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक कर कचहरी रोड खालसा से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। उसमें सभी लोगों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। शाम को 5 से 6 यहाँ पर हम भजन संकीर्तन जाप आरती और सूफी जलपान का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हों। सब नगरवासी हमारा साथ दें, गुरुवर को उपदेश सुनने के लिए अवश्य पधारें। हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि गुरुवर के वचनों को सुनने के लिए, उसमें आत्मसात करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए अवश्य यहाँ पधारें। इसी मकसद से हम हमारे गुरुवर यहाँ पर इस नगर में महानगर में पधार रहे हैं और हमारा मकसद भी समस्त मुरादाबाद वासियों को उत्साहित करना, धर्म लाभ कमाना, अपने हिंदू धर्म के प्रति जागृत करना, इसी के लिए हमारा मकसद है कि हमारे गुरुवर यहाँ पर आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें और सभी लोग उसका धर्म लाभ कमाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।